भिंडी की सब्जी तो बन गई है, पराठा बना नहीं है अभी तक। बोलती हूँ अभी आरती दीदी को, पराठा बना दे मेरे लिए, पराठे बना दो मेरे लिए नाश्ते के लिए, भूख लग रही है। ओके ले लो, नाश्ता बन गया। ये शूट किया क्या? मेरे लिए भी दही निकाल दो। बाहर जाने के लिए कितना अच्छा सीन दिया था, कैसे बाहर का सारा बेड निकला हुआ था। कितने बजे उठी तुम भाले में? पहली बार ऐसा हुआ कि मैं नींद नहीं थी। जानबूझ के मैं नहीं उठाई थी, क्योंकि मैं बस सोई सो रही। मैं तो उठ के बुढ़िया की तरह काम करने लगती हूँ। बुढ़िया कभी ये कभी वो कभी ये। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। अभी सुबह के 9:45 हो रहे हैं, पीछे आवाज सुन रहे होंगे, बारिश हो रही है, तो सुबह से ही बारिश हो रही है। मैंने नाश्ता कर लिया है और यहाँ पे भाई साहब अभी भी सोए हुए हैं। पापा तो है नहीं तो उठा नहीं सकता कोई इनको, अपने मर्जी के मालिक हैं, जब तक मर्जी तब तक सोएंगे। चलिए मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। रितु दवा खा रही है और अभी इसका नाटक देखना आप लोग, इसे दवा नहीं खाया जाता है। और कितना रह गया? बस एक पहले खा ली थी, एक अभी खा ली है। सिर्फ दोपहर में। तीन टाइम का है? अच्छा हाँ, वो सिर्फ लेना। जो रोटियां एक्स्ट्रा बच जाती है ना घर में, गौ माता को हम लोग देते हैं, वो भैया आते हैं नीचे, वो रोटियां हम उन्हीं को देकर आए हैं, है ना? तो आज रितु लंच के लिए करी बना रही है। छाछ है, 1 स्पून लहसुन ऐड करते हैं, प्याज लहसुन और मिर्ची है, पकने के लिए छोड़ दिए थोड़े टाइम के लिए। और भाई साहब अभी भी सोए हुए हैं, कोई मतलब नहीं है देश दुनिया से। चलिए मैं अपना काम करती हूँ। तो कड़ी रेडी हो गया है, इसमें राइस है। टाइम क्या हो रहा है? 12 बज गया। रितु कपड़े प्रेस कर रही है नहाने के लिए। हाथ में दो या प्लेट में लाके दो? ऐसे ही दे दो थोड़ा सा, वो तो मशीन बज रहा है। कपड़े निकाल लो। सुंदर लग रहा है? बहुत सुंदर लग रही है। तो तुम बस बाल की कमी हो गई है सर में, इधर से लेना। अच्छा इधर से लो, ठीक है। सुनो मैं क्या सोच रही थी ना कि एक और मेरे पास योगा चैलेंज आ रहा है तो मैं एक्सेप्ट कर लूँ। नहीं लेकिन वो आज ही परफॉर्म कर इंस्टाग्राम पे आया है। हाँ कर लो, अच्छा है। खाने 2:30 बज रहा है और खाना खा लिया मैंने। खाने के बाद मीठा कुछ चाहिए होता है मुझे। केक जो मैंने बनाया था वो बचा हुआ है तो वही खा रही हूँ। वैसे कढ़ी अच्छी थी रितु ने बनाई। खाना खाने के बाद मैं सो गई थी, इतनी नींद आ रही थी मुझे, काम किया ही नहीं जा रहा मुझसे। सोने के चक्कर में 5 बज गए कि अभी चाय पीऊंगी उसके बाद फिर से काम स्टार्ट करूंगी। आजकल लाइट इतनी जा रही है यहाँ पे, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है लाइट की। लेट क्यों आ रहा तुम्हारा बाल? एक्सरसाइज मना किया है। अभी जो योगा करते हो, योगा का बाल भाती तो पेट अंदर ही जाता है। योगा करते हैं ना, नहीं करता है, बहुत आलसी हो गया है। तुम पहले जैसे नहीं कर रहे हो। कपाल भाती से तो पेट अंदर जाता है ना, प्रॉपर कर ही नहीं रहे हो। सो के उठते 12 बजे 1 घंटा करते हैं शाम को। हाँ इसलिए बैठते हैं। फिर 1 घंटे करता है तो पेट अंदर नहीं जाना। 12 बजे उठ के रहे हो सो के, अभी पापा रहेंगे तब तो उठ जाओगे। रितु अपने लिए यहाँ पे बनाना शेक बना रही है। भूख लग रही है, पी लो। छत पे जा रहे हैं हम लोग क्योंकि रितु का एक योगा पोस्ट करना है जो इंस्टाग्राम पे अपलोड करेगी अपने पेज पे, इसके लिए छत पे आ गए हम। तो ये हम जुगाड़ यूज करते हैं ईटा लगाकर योगा के लिए, और एक ईटा यहाँ जाएगा। तो
धूप इधर है तो फेस पे अंधेरा आएगा, इसलिए ऐसे लगेगा। अभी देखिए सेटिंग कैसे की जा रही है। अरे बाप रे, ये क्या कर रही हो तुम? तब भारी उठा कैसे रही हो? हाथ पर मत तोड़ लेना। इसको बैकग्राउंड भी चाहिए, पौधे लगा रही है। रेडी, पोजीशन शुरू हो गया इसका। हो गया? देखो। ओ लेकिन मैंने चप्पल स्लीपर पहन रखा है, स्लीपर पे नहीं डालना है मुझे। अब क्या करोगे? सनसेट हो रहा, कितना प्यारा है। एक और पोजीशन लेते हुए रितु जी तैयार हैं। चप्पल आ रहा है बीच में, देखो दिख रहा है क्या? अगर आप लोग रितु जी को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो इनको फॉलो करिए। मैं इनकी आईडी जो है, पेज है ना, उस पे दिखा दूंगी। आप जाइए और उनको फॉलो करिए। योगा बहुत अच्छा करती हैं, योगा सिखा सकती हैं आपको। अगर योगा सीखना है आपको तो मेरे पेज को भी फॉलो करिए, अगर नहीं फॉलो करते हैं तो। ये सारे हमारे प्लांट्स हैं, इनमें पानी डालना है। मम्मी है नहीं, मम्मी होती है तो हमेशा पानी डालती है। अभी मम्मी है नहीं तो हमें बोलती थी कि पौधे सूखे ना उसके, तो पानी डालना है हमें। अब क्या कर रही हो? अभी एक और पोजीशन बना रही है फोटो लेने के लिए। उबासी आ रही है मुझे सोने के बाद भी। चलिए जी ठीक है, तो इसको मैं कहाँ रखूं? रुको, ईटे का उपयोग करते हैं आज फिर से एक और बार। ईटे की सहायता से कैमरा को फिक्स किया जाए। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। देखना इसको जरा। अरे तुम फोटो आ गई, रितु गिर गई पोजीशन लेते हुए। कोई बात नहीं, बस नेक्स्ट डे, कल कर लेगी। चले फोन ले लो अपना। अभी लग रही है मुझे भूख, मैं बनाऊंगी मैगी अपने लिए। मिल गया। मजा आ रहा है। हे गाइस, अभी 8:42 हो रहे हैं। हम सब ने डिनर कर लिया है। ऋषु रितु तो टीवी देख रहे हैं। मैं यहाँ बेडरूम में आ गई हूँ, मुझे अपना ब्लॉग एडिट करना है। थोड़ा टाइम लगता है तभी मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। हे गाइस, तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अब सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।